एंड जेंटलमैन, विकी कौशल और यामी गौतम हमारे बीच। पूरी फिल्म रिलीज होने वाली है और मैं चाहता हूं कि एक बार जरा वेलकम कर दीजिए आप जोरदार गाने के साथ। ट्रेलर इज लुकिंग अमेजिंग बहुत। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा। आई होप आप सब रिसर्फेस कर चुके हैं 31 की रात से और 1 की सुबह से। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि उन्होंने कहा फिल्म आ रही है उरी 11 जनवरी को। सॉरी मैंने चश्मे पहने हुए, मुझे बहुत जोर का जुकाम हुआ है, मेरी आंखों से पानी गिरता जा रहा है, चश्मे पहने हुए। पर उरी फिल्म रिलीज हो रही है 11 जनवरी को और प्लीज देखिए, जब भी वक्त लगे दोस्तों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए। अच्छी फिल्म है, सच्ची मैं देख चुका, अच्छी फिल्म है, आपको अच्छा लगेगा, प्लीज देखिए। से पानी इसलिए भी आ रहा है क्योंकि संजू में आपने बहुत रुलाया था आपके लिए। जी मैंने चश्मा इसलिए पहना है सो आई कैन पैच अप इट। आई डोंट हैव एनी रीजन फॉर इट। तबीयत खराब ही नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई स्टिल एज ही सेइंग सब कोई छुट्टी से आ रहे हैं बट यू ऑल लुक वेरी चार्ज्ड, यू नो ऑल यू हैव शोन अप हियर टू बी विद अस, टू सेलिब्रेट विद अस। और जैसे विकी ने कहा कि जी उरी रिलीज हो रही है 11 जनवरी को, हम ऑलरेडी काफ़ी एक हैप्पी नर्वसनेस है और एक हैप्पी एक्साइटमेंट है क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह का रिस्पॉन्स ट्रेलर से मिल रहा है, हम जहाँ भी प्रमोट कर रहे हैं सब हमें पर्सनली बता रहे हैं कि कैसे वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म क्योंकि पहली बार इस तरीके की फिल्म आ रही है। एंड एनी विच वे बहुत कम पेट्रियाटिज्म इन्फ्यूज फिल्में बनती हैं हमारे देश में, सो इट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल सी समथिंग लाइक दिस, जो एक ट्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही अहम इंसिडेंट पे बेस्ड है सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो और साल की पहली आई थिंक इट्स ए रिलीज, तो हाँ वो आप लोग बनाइए धमाका। सो थैंक यू सो मच एंड वी रियली होप यू लव इट।